नमस्कार, आप देख रहे हैं दी अर्थ न्यूज़ लाइव। जवाब कौन देगा, जवाब कौन देगा एपिसोड को लेकर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आनंदपुर के बहादुरपुर क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खस्ता हालत है जो इस रोड की है, काफ़ी लोगों को यहां पे प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये लाइव दी अर्थ न्यूज़ पर इस वक्त चल रहा है। इस वक्त हम आनंदपुर के बहादुरपुर क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। तो देख सकते हैं कितना, नाम तो बहुत अच्छा है बहादुरपुर पर, देख सकते हैं कितना बहादुर देखने को मिल रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नाली है ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर लोग फेस कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बॉर्डर का इलाका है, आए दिन यहाँ पर फायरिंग होती रहती है। आप देख सकते हैं काफ़ी खस्ता हालत है इस रोड की। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस रोड की ज़रा थोड़ा फोकस करें, कितनी खस्ता हालत है जो इस रोड की हो चुकी है। तो काफ़ी लोग यहाँ के परेशान हैं। तो हमने यहाँ पे लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि ना ही यहाँ पे कोई गाड़ी है यहाँ पे आती है, बॉर्डर का इलाका है, आए दिन यहाँ पे फायरिंग होती रहती है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या क्या परेशानी है यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सवारियों वाली गाड़ी है, ना मेटाडोर ना ऑटो है जिस रोड जाता है, क्योंकि काफ़ी खस्ता हालत इस रोड की हो चुकी है। काफ़ी बड़े बड़े खड्डे हैं जो यहाँ पे हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ के परेशानी फेस कर रहे हैं। देख सकते हैं इसका जवाब कौन देगा। तो हमारे साथ कुछ सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर काफ़ी खस्ता हालत है जो इस रोड की। हमारे गांव का जो रोड है बहुत टूटा फूटा है। हमारे गांव में ना कोई हॉस्पिटल है, ना डिस्पेंसरी है, ना कोई गाड़ी है, ना हमारे कोई इतनी बड़ी बहुत परेशानी है। मैं गांव का पंच हूँ। बाकी आप देखो रोड का, हमारे का हालत क्या हो रहा है। सर यहाँ के MLA साहब कौन है सर? रोड़ा साहब, डॉक्टर कमर रोड़ा। हाँ, कमर रोड़ा साहब। तो उनको भी हमने काफ़ी बार बुलाया है भाई रोड के बारे में, देखो हमारे बहुत खस्ता हाल चल रहा है। हमारे जो बच्चे हैं, जब बारिश होता है इसी रोड में जा नहीं सकते हैं, नाली साथ में ब्लॉक हो गया है, बिल्कुल कोई सुनाई नहीं देता हमारा। जो कोई भी डेवलपमेंट है यहाँ पे नहीं हो, नहीं हुआ सर। तो जिस तरह से ये सर हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने कहा कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे डॉक्टर कमल अरोड़ा जी, तो काफ़ी खस्ता हालत है उनकी। देख सकते हैं कि ये रोड की इन्होंने प्रॉब्लम बताई और कहा इन्होंने कि कोई भी गाड़ी है यहाँ पे नहीं आती, और इन्होंने हॉस्पिटल की बात कही। और सर क्या क्या परेशानी है यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में सर हमें थोड़ा बताइए। हमारा नया रोड हमने एक और बनाया हुआ है, उसको भी हमने खुद ही मिट्टी डाला हुआ है। कोई गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे को कोई पैसा नहीं दिया, खुद की पेमेंट में पैसा डाल के गाँव ने रोड बनाया है। अभी बिल्कुल चेक कर सकते हैं भाई काम हुआ या नहीं हुआ। सर बॉर्डर का इलाका है, आए दिन यहाँ पे फायरिंग होती रहती है, तो क्या क्या सुविधा यहाँ पे मिलती है? क्या मुश्किल है सर, हमारे जो बच्चे हैं ना तो अंदर बढ़ जाते हैं, बिल्कुल जा नहीं सकते हैं, स्कूल भी नहीं जाते हैं। तो बॉर्डर का इलाका है तो हमारे को, हमारे बच्चे हैं जो नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं, उनको कोई बॉर्डर के लिए मजबूरी होना चाहिए, उनके लिए कोई नौकरी चाहिए। हमारा जो जितने बच्चे पढ़े हुए हैं कोई अभी तक नौकरी नहीं बॉर्डर में मिला जी, जरूर कहता हूँ जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये सर हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने कहा कि काफ़ी खस्ता हालत है इस रोड की भी, इस रोड की भी काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है। तो बाबा जी हमारे, बाबा जी कितना टाइम हुई ये रोड बने दे नहीं बने दे? कोई 15 साल हो गए। 15 साल? तो काफ़ी विधायक रहे, MLA रहे, कोई काम नहीं किया, कोई यहाँ नहीं आता? नहीं। तो देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने कहा कि काफ़ी विधायक रह चुके हैं, जो पहले 12 साल जिन्होंने यहाँ पे बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी पे राज किया, या पहले की बात की जाए, जो अभी मौके के विधायक उनकी बात की जाए, काफ़ी खस्ता हालत है उनके राज में। देख सकते हैं कि ये रोड की परेशानी हमने आपको बताई, और लोगों ने कहा कि डिस्पेंसरी की भी, लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं है, बॉर्डर का इलाका है, आए दिन यहाँ पर फायरिंग होती रहती है। जी सर, हमारे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चाहिए हमारे गांव के लिए, बहुत परेशानी है। अंधेरे में कोई बीमार हो सकता है, लेकिन रोड में गाड़ी नहीं चलता है, कहाँ उसको लेके कहाँ जाए। जम्मू वहाँ से 30 किलोमीटर है, बहुत मुश्किल जाने के लिए है। तो इधर आनंदपुर में छोटा डिस्पेंसरी बना हुआ है, वो भी हमारे को चेक नहीं करते हैं। अभी खुद चेक करो, देखो हमारे में डिस्पेंसरी जरूरी जल्दी चाहिए बस। तो ये सर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है दी अर्थ न्यूज़। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं दी अर्थ न्यूज़ का सबसे पहले बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती मौका, अपना कीमती समय हमारे इस इशू को उठाने में दिया जी। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है हमारा, वो ये है कि हमारा ये रोड काफ़ी टाइम से नहीं बना हुआ,
यहाँ से अब आप आए हो, मौसम थोड़ा साफ है, बारिश नहीं हुई। अगर आप आते बारिश के टाइम पे तो आप ये नोटिस करते कि उस कॉर्नर से लेके वो पूरा जो 300-400 मीटर है यहाँ पे पानी भरा रहता है। छोटे बच्चों का यहाँ पे सुबह जब स्कूल जाते हैं तो कोई गिर जाता है, उसका पूरा पूरा यूनिफॉर्म उसका खराब हो जाता है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है इस टाइम वो है रोड का। रोड बनना चाहिए, ये इतने इतने खड्डे हैं। मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी, मैं उसको कल सर्जेरियन डिलीवरी SMGS से लेके आया हूँ। सिटी से यहाँ लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर में उसको लेके आया हूँ, उसको कल से इतनी पेन हो रही है कि वो उठ ही नहीं पा रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे अथॉरिटीज हैं, मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे इस आप यहाँ पे ग्राउंड पे आएं, रोड को देखें और जितनी जल्दी हो सकता है जो कार्रवाई हो सकती है वो करें। सर, जो मौके के विधायक थे डॉक्टर कमर अरोड़ा जी, वो कभी यहाँ पे आए हो, यहाँ पे कभी दौरे पे आए होंगे, क्या क्या परेशानी है लोग यहाँ के फेस कर रहे हैं, जो पहले के विधायक रह चुके जो अभी मौजूदा विधायक हैं? देखो जो भी मौके पे विधायक हैं, हमने हर बार हर किसी को रिक्वेस्ट करा है, सब आए हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा मलबा पड़ा हुआ है, तो परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं हुआ। टेम्पररी जब भी यहाँ पे दिक्कत आती है, हमारे यहाँ मंदिर में फंक्शन होता है तो वो आते हैं, जरूर आते हैं, ऐसा नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा कहना गलत होगा। वो मौके पे यहाँ पे डाल जाते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इसका परमानेंट, 2 महीने जो वो करते हैं 2 महीने चलता है, उसके बाद फिर से दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो सर बॉर्डर का इलाका आए दिन यहाँ पे फायरिंग होती रहती है, अगर कल को कोई या बच्चा बीमार हो जाए, कोई और परेशानी आ जाए, इन्होंने कहा कि यहाँ पे ना कोई डिस्पेंसरी की सुविधा है, ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, तो सर इसके बारे में आप डॉक्टर हैं, इसके बारे में सर हमें बताएं। देखिए डिस्पेंसरी की सुविधा जो इन्होंने कही वो बड़ी जेन्युइन है, वो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हमारे यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर आनंदपुर है, वहाँ डिस्पेंसरी है, तो वो भी मतलब कि उसमें इतनी सांबा डिस्ट्रिक्ट में आती है, लेकिन पास है, हम जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ बड़ी लिमिटेड है, उसमें फैसिलिटीज़ बड़ी लिमिटेड है। 1-2 मेडिकल ऑफिसर रहता है, फार्मासिस्ट रहता है। हम चाहते हैं अगर हमारे गाँव में हो सके तो बड़ा अच्छा है, अगर नहीं हो सके कम से कम उसको अपग्रेड किया जाए कि हमें कोई अगर एमरजेंसी हो तो वो वहाँ पर हम देख सकें, उसको मैनेज कर सकें। जगह हम देंगे, जगह की कोई इशू नहीं है, जगह हमें यहाँ पे बढ़िया, अगर 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 अथॉरिटीज अगर यहाँ पे वो सेंक्शन करती हैं तो हम वो मोस्ट वेलकम है, जगह मिल जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। सर, अगर इस वक्त हमारे लाइव पे अगर डॉक्टर कमर अरोड़ा जी जो मौजूदा विधायक हैं, अगर वो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो ऐसी बात नहीं है, वो हमारी हमने आज तक जितनी हमें ट्रांसफार्मर की आती है वो आती है, सब मानते हैं वो, लेकिन इसका ये है कि जो वो उन्होंने टेम्पररी सोल्यूशन किया, इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन कर दें रोड का, तो यही मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो जिस तरह से आपने देखा ये सर हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने कहा कि काफी ज्यादा खस्ता हालत है इस रोड की, और भी काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। सर आप स्कूल में जाते हैं तो सर कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। तो जब बारिश हो जाती है तब तो शूज गीले हो जाते हैं, तो कितनी परेशानी आती है? बहुत परेशानी होती है। तो ये सर अभी आए हैं, सर आप अभी इस रोड से होते होते आए हैं, तो सर कितनी परेशानी आई? ऐसे देना है सर, कितनी परेशानी आई? परेशानी तो बहुत है, ऐसे देंगे यार? परेशानी तो बहुत होती है, परेशानी जब बारिश होती है, लोगों ने कहा कि यहाँ पे पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, उस ज्यादा ही परेशानी है। इसका जवाब किससे मांगेंगे? कमर रोड़ा देगा इसका जवाब अभी जी। सर पहले भी विधायक रह चुके अश्वनी शर्मा जी, तब भी इस रोड का कुछ नहीं हुआ, 12 साल उन्होंने लगाए, अभी 5 साल लगा के ये भी जा चुके हैं, तो उसने किया ये करेगा ना अभी उन्होंने जी। तो देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि काफ़ी विधायक रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है जो जहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहादुर आनंदपुर के बहादुरपुर लाल इलाके के लोग जवाब मांगते हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारे मौजूदा विधायक हैं कमल अरोड़ा जी, काफ़ी बार यहाँ पे आए हैं, काफ़ी उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफार्म की बात की जाए और रोड की बात की जाए, उन्होंने कहा यहाँ पे उन्होंने मलबा डाला था, बट परमानेंट सोल्यूशन है वो कोई नहीं हो रहा। जवाब कौन देगा एपिसोड को लेके, आज हम आए थे आनंदपुर के बहादुरपुर क्षेत्र में, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी जी। सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, सर अगर कमल अरोड़ा जी इस वक्त लाइव देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो हमारे मौके पर जो उन्होंने सेक्शन दिया है, हमारे को मरबाल डाला था तो दोबारा तोड़ फोड़ हो गया, दोबारा इधर रोड में बारिश होता तो पानी बहुत हो जाता है, हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी जो यूनिवर्सिटी होती है तो पूरी खराब हो जाती है, तो बेचारे वापस चले जाते हैं घर पर, स्कूल नहीं पहुँचते हैं, क्या करें, अभी वही परेशानी है हमारे को। तो ये थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा जब भी बारिश होती है तो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी, उनकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है, आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये आज हमारी दी अर्थ न्यूज़ की टीम आज हमारी यहाँ पे पहुँची थी। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर से बात करेंगे।
सर कितनी परेशानी है जो यहाँ पे रोड की आ रही है? हाँ, रोड की मती परेशानी जी। हाँ तो सर मौजूदा विधायक थे कमल अरोड़ा जी, वो यहाँ पे कभी आए हो? कमल अरोड़ा जी क्या चलो याद है अन्य आते थे नहीं। तो देख सकते हैं कि कुछ भी लोगों का कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो कभी यहाँ पे, कभी कुछ लोगों ने कहा कि वो आते हैं, कभी कुछ लोगों ने कहा कि वो नहीं आते हैं। तो ये आज हमारी खास रिपोर्ट थी नंदपुर के बहादुरपुर क्षेत्र से। अगर आपके गांव आपके शहर में भी है कोई प्रॉब्लम तो संपर्क करें हमारे दी अर्थ न्यूज़ को, हम आएँगे आपके शहर। तब के लिए देखते रहिए दी अर्थ न्यूज़।